अर्शिद साहब कदम साथ है, हम तुम्हारे साथ है। कि उनको कैसे रुकाएं ये आप खुद देख रहे हैं। मैं गुजारिश करना है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम आई है, सभी से गुजारिश करता हूँ, बहन रक्षा इंद्रावती जी शुक्रिया। जहां बंदूक से, जहां का इलेक्शन डिसाइड होता था, बंदूक से देखा जाता था किसको जिताना है, किसको हराना है, ये पुलवामा की सियासत है। यहां पे नौजवान को यरगवाल, यहां के नौजवान को बहला के, यहां के नौजवान को गलत रास्ता दिखा के सियासी फोल्डर बना के सियासी बुनियाद पे एक्सप्लॉइट किया गया। प्रेसिडेंट चाह रहे, हमने भी अपनी तकरीबन 150 बंदे की ज्वाइनिंग रखी, यहाँ पर ज्वाइनिंग रखी, और पहले अर्शिद साहब की ज्वाइनिंग हो जाएंगे, उसके बाद उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। शुक्रिया। ये पुलवामा एक हिस्ट्री है, तारीख है, और यहाँ पे हमेशा गुल खिले हैं। दुनिया के लोगों को दवाइयां दी, ये मोदी जी है जिन्होंने ये सब किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के समय में हिंदुस्तान के लोगों को बचाया। जानते हैं पुलवामा को, जो यहाँ के एक पॉलिटिकल डिसीट के हम शिकार हुए, चाहे जो जिसने भी यहाँ रूल किया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी है, उनका यही रहना था जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी उन्होंने उनको एम्पावर नहीं किया, तो आम इंसान या आम नौजवान को स्पेस भी कहीं पे नहीं थी। दूसरे साइड से जो यहाँ मुश्किलात है लोगों के, चाहे नौजवान के, जो हालात की वजह से नौजवान यहाँ पिसा जा रहा है, उसके लिए बात करनी बहुत ज़रूरी है। और हमने यही प्लेटफार्म समझा कि हम उनके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला बहुत ज़रूरी है और उनकी उम्मीदें जुड़ी है। मैंने बार बार आपको यही बात की, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आज यहाँ ज्वाइनिंग थी जिसमें हमारी स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी, जो हमारी दिल की धड़कन भी है, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरक्षा इंद्राबी जी, सोशल एक्टिविस्ट थे अर्शिद अहमद भट्ट साहब, उसने भी आज ज्वाइनिंग की। और ये जो पड़ोसी मुल्क इस प्रकार की दहशतगर्दी यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी भी उसने बंद नहीं की है, ये कंडेमनेबल है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि वो गोली मारेंगे तो गोला मारेंगे इसको, आप इसलिए आपको पता है कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और भी कुछ करने की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। 5 अगस्त 19 के बाद अब जहां पे हम खड़े हैं, आज हर एक यूथ पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और खासकर यहां का डायनामिक लीडर, यूथ लीडर अर्शिद भट्ट साहब ने आज पार्टी का दामन थामा है, हाथ थामा है, और उनके साथ आपने देखा कि हजारों के तादाद में लोग आ गए। यही मकसद है कि हम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने जो कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को फिर से अमन का गहवारा बनाएंगे, यहाँ के नौजवानों को तरक्की और खुशहाली देंगे, यहाँ के लोगों को फिर से सरबुलंदी मिलेगी, वो सिर्फ यही है कि आज हर एक बंदा चाहता है, हर एक यूथ चाहता है कि वो खुशहाली के इसी स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ शाना बा शाना